गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. आई एम ममता जोशी फ्रॉम टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. चिल्ड्रंस प्लीज टेक आउट योर बुक बिकॉज अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 19 इज कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 106. दिस इज योर बुक एंड दिस इज द टॉपिक. बिफोर दैट द टॉपिक इज फ्लर्ट्स, बट बिफोर दैट वॉट वी हैव डन वी विल रिकॉल समथिंग अबाउट इट. We have learned that natural disasters like cyclones, floods, earthquakes and tsunamis are the natural disasters which creates a serious emergency situations and which takes a loss of life, property and everything. The villages and cities are totally destroyed, vanished and takes a very big loss of property and life. We have also, what is earthquake? We have learned that the sudden shaking of the earth is known as earthquake, and the major earthquake was measured in 2001 in Gujarat. The Kutch area was totally destroyed on 26 January 2001. Okay, and the instrument measures the earthquake is known as a seismometer. Okay, you have to learn this. Okay, a seismometer is an instrument that measures the earthquake, and volcanic eruption. Okay, and now we should always help the victims who are suffering from the natural disasters. Okay, now we are going to learn about the floods. It had been continuously raining since morning. The meteorological department had predicted heavy rains. The rain became rapid by evening and stormy winds began to blow. The lightning was flashing now and then. All people were inside their houses. The electric supply was cut off. It was dark and water was all around. Although my house did not often leak, but today it was too leaking. We passed the night in the house. In the morning, I heard the cries of the people. We came to know that the dam of the nearby village had broken. The water, with its rapid flow, had begun to enter the houses. The household goods began to flow on the water. People began to move towards high land areas with their children. One by one, all the huts of the village were swept off in the flood. At various places, thatches, branches broken from trees, birds and animals were seen struggling in water. We all were looking at this helplessly. अभी तुम्हारा जितना बच्चा है वो उसको वो क्या बोल रहा है कि सुबह से बहुत तेज बारिश चालू थी. कंटिन्यू रेनफॉल हो रहा था और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन थी कि पूरे दिन बहुत तेज़ बारिश हैवी रेनफॉल होने वाला है. इतनी तेज़ बारिश के साथ ही बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी. लाइट जो थी बिजली गड़क रही थी और एक डर वाला माहौल वहाँ पे था. उस सराउंडिंग्स में बहुत ही डर वाला माहौल था क्योंकि तेज़ बारिश थी, तेज़ हवाएं थी, बाढ़ जैसी सिचुएशन बन गई थी और बिजली बहुत गड़क रही थी. ठीक है ना, बरज रही थी. अब जो लोग थे वो अपने घरों में ही बैठे थे क्योंकि उस समय घर ही सबसे सेफ प्लेस लग रही थी. इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी थी. इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करने का रीज़न होता है बच्चों क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में इलेक्ट्रिक करंट का शॉक का रिस्क रहता है और एनिमल्स जो यहाँ वहाँ होते हैं वो एनिमल्स को करंट लगता है और वो मर जाते हैं. तो उस समय इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. चारों तरफ अंधेरा था और हर जगह पानी ही पानी था. कहीं भी मतलब बाढ़ वाली कंडीशन सिचुएशन में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ का और लाइफ का भी लॉस हो जाता है. जैसे यहाँ पे है कि ये बच्चा बोल रहा है कि हमारा घर कभी लीक नहीं हुआ, पर इस समय इस बार जो बारिश हुई है उसमें हमारा घर भी लीक होने लगा. और वी पास द नाइट इन द हाउस, हम लोगों ने घर पे रात बिताई. रात को तो घर पे ही सब लोग सो गए, पर सुबह जब ये लोग उठे तो उनको लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई.
आई हर्ड द क्राइज ऑफ पीपल, तो हम लोगों को लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हम लोगों ने इंक्वायरी की तो पता चला कि नज़दीक के गांव में डैम था, वो टूट गया है। अब डैम टूट गया तो वहाँ का पानी भी गांव में आ गया था, तो पानी का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सारा पानी लोगों के घरों में आने लगा था। सारी प्रॉपर्टी फ्लोट कर रही थी, मतलब प्रॉपर्टी जो है पानी में तैर रही थी, इतना ज़्यादा पानी था। और अब रिस्की मैटर हो गया था, तो लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके हाईलैंड एरियाज़ पे चले गए। हाईलैंड पे मतलब थोड़ी ऊंचाई पे, जहाँ पे पानी का फ्लो पानी कम कलेक्ट होता है। ओके, तो हाईलैंड एरियाज़ पे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके चले गए। और ऊपर से लोग देख रहे थे कि एक एक करके सारे घर पानी में बह रहे थे, और ये फ्लड आया था ना, तो उस पानी में सारे के सारे घर बह गए। तो ये फिर उस समय पेड़ भी टूटे, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ स्टम, ट्रंक, पेड़ के सब टूट गए। और बर्ड्स और एनिमल्स भी यहाँ वहाँ स्ट्रगलिंग कर रहे थे पानी में, ठीक है ना। जो एनिमल्स होते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी उनके लाइफ का भी रिस्क रहता है। ये सब ऐसी पिटिएबल कंडीशन देख रहे थे, पर कोई किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। सब लोग हेल्पलेसली इस करुण दृश्य को देख रहे थे। सबको तकलीफ हो रही थी, पर कोई है, सब लोग हेल्पलेस थे। उस समय कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाता था, कर पा रहे थे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। माई फादर कॉल हिज फ्रेंड इन द नेबरिंग विलेज। Then he called the tehsildar and informed him about the situation of the village. Within a short time, people from the neighboring village came there for help. After some time, the tehsildar and his officers also arrived there along with police jawans. All the victims of the flood were rushed to the dharmshala of the neighboring village and other houses. Many men, women and children of the village had been washed away. The police jawans were searching for them. There were ambulances to rescue the people to safer places. Eatables, medicines and other things were made available by the government and the NGOs. अब ये छोटा बच्चा है, उसके पापा ने अपने नेबरिंग विलेज, मतलब अपने पड़ोस के गांव में फ़ोन करके फ्रेंड को कहा कि हमारे गांव में बाढ़ वाली सिचुएशन हो गई है, और ये इन्फॉर्मेशन तहसीलदार को, तहसीलदार को फ़ोन किया और ये सिचुएशन अपने गांव की बताई कि बहुत ही पीटीएबल कंडीशन हो गई है गाँव की, और गाँव में कोई जल्द से जल्द कोई मदद की ज़रूरत है। कुछ ही समय में नेबरिंग विलेज से, पड़ोस के गांव से पीपल फ्रॉम दी नेबरिंग विलेज के लोग आए, और लोग एक दूसरे की हेल्प की। तहसीलदार, ऑफिसर, पुलिस जवान, ये सब भी आए और विक्टिम्स की, लोगों को पास के गांव के धर्मशाला में लोगों को शेल्टर दिया। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहाँ पर भी उनको शेल्टर दिया, और धर्मशालाओं में लोगों को रुकाया, और पब्लिक पीपल ज़्यादा थे और जगह कम थी, तो एक टेम्प्ररी टेंट भी बनाए जिसमें लोग आराम से रह सकते थे। फिर उनको उन पुलिस जवान उन लोगों को सर्च करने लगे जो लोग वहाँ पे मिसिंग थे। कुछ वुमन्स, मैन और चिल्ड्रन जो मिसिंग थे, उनको पुलिस जवान जो है सर्च करने लगे पानी में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, तो काफ़ी लोग उसमें डूब चुके थे। तो उनको सर्च करने पुलिस जवान गए, और वहाँ पे एम्बुलेंस भी तैयार थी, क्योंकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी एम्बुलेंस का होना कंपलसरी है, ताकि पीपल को सेफली हॉस्पिटल लेके जाया जाए जा सके। उसके बाद उनको खाने पीने की सुविधा, दवाई की सुविधा भी अवेलेबल करवाई, और ये सब हेल्प गवर्नमेंट और एनजीओज और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने की। ओके, उसमें अब डिड यू नो वाले कॉलम में है बच्चों, द हैवीएस्ट फ्लड वाज सीन इन राजस्थान ऑन 23 जुलाई 1918, विच अफेक्टेड एवरी कॉर्नर ऑफ राजस्थान। 1981 में 23 जुलाई में
राजस्थान में बाढ़ की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ था और राजस्थान का एक भी गांव ऐसा नहीं था जो बाढ़ से ग्रसित नहीं था। उस समय बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। और ये आपका जीके वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि हैवीएस्ट रेनफॉल कब राजस्थान में कब हुआ था, तो बाढ़ वाली सिचुएशन कब हुई थी, तो आपको लिखना है 23 जुलाई 1981। ठीक है, ये मे भी क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिलअप में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन पेज 107। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।